चलिए बात करते हैं किस तरह मोदी में हो गए हैं पुतिन। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़े हैं, वो मुरीद हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए, यह व्लादिमीर पुतिन का कहना है। मोदी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने में सक्षम है, ये भी पुतिन कह रहे हैं। यह मोदी एक देशभक्त हैं और अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं और एक सच्चे देशभक्त हैं। भारत और रूस के बीच दशकों से विशेष संबंध हैं और दोनों देशों के बीच कोई भी पेंडिंग मुद्दा नहीं है। भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आधुनिक राज्य बनने के अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है, उसने ठोस विकास किया है, भारत के विकास से उसका सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत ने बहुत कुछ किया। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। स्वाभाविक रूप से वो एक देशभक्त हैं। मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। भविष्य भारत का है, भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व होता है। हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है, हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत को उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा और इसमें 7.6 गुना वृद्धि हुई है। कृषि सेक्टर से जुड़ा व्यापार दोनों देशों के बीच लगभग दोगुना हो गया है। पीएम मोदी उन लोगों में से एक है जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है। वो भारतीय लोगों के लिए एक आइस ब्रेकर की तरह चल रहे हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। तो पुतिन का यह कहना कि मुझे यकीन है कि भारत की भूमिका भविष्य में बड़ी होने वाली है, ये बहुत मायनों में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है और भारत की तरफ अट्रैक्ट करता है। आइए प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए कही गई पुतिन की 10 बड़ी बातें देख लेते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। मोदी नंबर 1, मोदी सच्चे देशभक्त हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये पुतिन कह रहे हैं। दूसरा, नंबर 2, मोदी की स्वतंत्र सोच है, ये पुतिन ने कहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भविष्य भारत का है, फ्यूचर जो है वो भारत का है, ये भी बड़ी बात कही। चौथी बड़ी बात, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति जो है वो भारत को खास बनाती है। भारत की जबरदस्त प्रगति हुई है, आर्थिक मोर्चों पर भी भारत जबरदस्त प्रगति कर रहा है, भारत का ठोस विकास हुआ है, ये कहना है पुतिन का। दुनिया में भारत का सम्मान हो रहा है, ये कहना है पुतिन का, जो कि भारत को गर्व से भर देता है। मोदी के नेतृत्व में काफी काम हुआ है, व्लादिमीर पुतिन मोदी में हो चुके हैं, मोदी के मुरीद हो चुके हैं, और मेक इन इंडिया पर भी उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी कदम है, एक रिवोल्यूशनरी कदम है जो कि मोदी जी के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने ये बड़ी बातें कही हैं, 10 बड़ी बातें जो कि हम आपको बता रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से ये कहना कई मायनों में खास है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोदी के जो ग्लोबल दोस्त हैं वो किस तरह आगे फल फूल रहे हैं और उन्होंने मोदी की तारीफ की है। ये देखिए, सबसे पहले बराक ओबामा की तस्वीर आपको याद होगी और डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, जब गुजरात में भव्य कार्यक्रम हुआ था स्टेडियम में, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये मैक्रो के साथ, इमैनुअल मैक्रो के साथ ये तस्वीर, जो कि जबरदस्त तस्वीर थी प्रधानमंत्री मोदी की, हर मोर्चों पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं और ये याद रह जाती है ग्लोबल दोस्तों को। ये देखिए, ये पुतिन के साथ दोस्ती, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में, ना भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अगली तस्वीर, ब्रिटेन के पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके साथ की ये तस्वीर, और उनके साथ भी गर्म जोशी वाली मुलाकात, कई मोर्चों पर हम देख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन की, इसमें ऑल द बेस्ट करते हुए देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री को, और बोरिस जॉनसन उनका हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये स्कॉट मॉरिसन की तस्वीर है, जो कि बताती है कि किस तरह से जो ग्लोबल नेता हैं उनके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता है वो कितना खास है। अब हम आपको बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये देखिए ये किस तरह की तस्वीर है, ये हाथ उठाते हुए ये बताता है कि किस तरह के संबंध रहे इजराइल के साथ प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर। और अब देखिए जायर बोल्सोनारो की तस्वीर भी, तो अलग अलग जो ग्लोबल नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी तस्वीर बहुत खास होती है, और सबसे ज़्यादा उनके बीच की जो
जो कड़ी है, जो मजबूती वाली कड़ी है, जो बॉन्ड है, वो बहुत मजबूत दिखाई देता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योशिहिदे सुगा के साथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जब क्वाड देशों की मुलाकात हुई थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका था, उस वक्त भी तस्वीरें बहुत खास आई थी। और ये तस्वीर देखिए, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये तस्वीर भी खास बनाती है क्योंकि अरब देशों के प्रति जो अरब देशों का लगाव भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, ये भी उन्हें खास बनाता है। तो ग्लोबल दोस्ती किस किस तरह की है हमने आपको दिखाई। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।